इकोनॉमिक सर्वे में हमें तीन चीजों को यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और शेयर मार्केट पॉलिसी जो चर्चा है कि क्या विश्व बदल रहा है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलना चाहिए। तो बदलना चाहिए के लिए वहां पर कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। तो बदलाव कहाँ लाना पड़ता है हमें? अपनी राजकोषीय नीति में परिवर्तन करना होगा, या अपनी मौद्रिक नीति को बदलना होगा, या कैपिटल मार्केट में जो निवेश आता है उसमें कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट जो भी है उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित होकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था में चेंज लाना चाहिए? यहाँ कॉन्सेप्ट यही, क्या हमें बदलती अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रगति कर रही है, हमारे अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की समस्याएं हैं, या किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उसको ध्यान में रखकर हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा बस इतना ही क्लियर करना है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, इकोनॉमिक का इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, जहां पर हमने हेडिंग दे रखी है राजकोषीय रूपरेखा विश्व बदल रहा है, क्या भारत को भी बदलना चाहिए। यहां बदलने से तात्पर्य इन्हीं तीन ही हेडिंग्स हैं, आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी शेयर मार्केट की पॉलिसी। क्या हमें इनमें बदलाव लाकर, क्योंकि बदलाव लाना है तो हमें इन्हीं नीतियों को चेंज करना होगा, और इन नीतियों को चेंज करने का पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि शेयर मार्केट को चेंज करेंगे तो निवेश में किस तरह से वृद्धि होती है, मॉनिटरी पॉलिसी में किस तरह से चेंज लाकर अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, और फिस्कल पॉलिसी बजट में जो फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है उसके पीछे के क्या आधार होते हैं, और राजकोषीय नीति किस तरह से कि हमें महंगाई है या आपकी मंदी की समस्या है या निवेश को बढ़ाना है तो हमें किस तरह से उसमें चेंज लाना चाहिए, कब क्या बदलाव लाने चाहिए। ठीक है, यहाँ बस यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। आप लोगों ने सारा कुछ वैसे भी पिछले टॉपिक्स में पढ़ रखा है, यहाँ बस बेसिक चीजें मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमें बस यहाँ क्लियर ये करना है कि बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो आंसर यही कि हमें नहीं बदलना है, हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व कैसे बदल रहा है उसको ध्यान में रखकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं लाना है। ठीक है, बदलाव क्यों नहीं लाना है, उसके पीछे का कारण क्या है? जैसे पहला कारण फिस्कल पॉलिसी को लेकर चलते हैं, फिस्कल पॉलिसी में क्यों चेंज नहीं लाना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी होती है, यहां पर हमने पढ़ रखा था कि आपका आय और व्यय, ठीक है, जो बजट बनाया जाता है आपके आय और व्यय, तो आय और व्यय के आधार पर जितना आय आती है उसी आधार पर आप व्यय करते हो, एक बजट बनाते हो। ठीक है, आय का आधार क्या है सरकार? वो कर है। ठीक है, मेन जो सोर्स है वो टैक्सेस है, लेकिन भारत सरकार के जो टैक्स बेस है वो कितना है? बहुत ही सीमित है। वहां पर एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, लाफर वक्र को अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी, जो सरकार ने किया भी है, बजट 2017 में चीजें ऊपर जाती हैं फिर थोड़े दिनों में नीचे आती हैं। यहां पर ये चीज थी कि आप टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन टैक्स की जो दर है उसको बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए, बढ़ाना नहीं है इसमें। यानी कि यहां पर आपकी टैक्स बेस क्या थी कि 5 लाख है। तो सर सरकार ने तो यही काम किया ना? ठीक है, वही लाखों लोगों ने अपनाया, तो 5 लाख है तो 5 लाख लोगों को 5% देना पड़ता है। अब इन्होंने इसी को क्या कर दिया कि आपको 2.5 लाख वालों को भी इसके अंतर्गत ला दिया कि उनको भी अब टैक्स देना है। यानी कि आपने टैक्स बेस बढ़ा दिया और टैक्स की दर को निश्चित रखा, टैक्स को ज्यादा आपने नहीं बढ़ाया। लेकिन टैक्स बेस बढ़ा देने से क्या हुआ कि ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ गए और आपका आय का जो स्रोत है वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो हमें इस चीज को बाहरी लोगों को देखकर नहीं करना है, फिस्कल पॉलिसी में बनानी है तो अपने देश में क्या स्थिति है, हमें अपने आय के स्रोत क्या है उसी को ध्यान में रखकर करना है। सब्सिडी देनी है तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था में सब्सिडी क्यों देनी है, किस सेक्टर्स को देनी है, कितनी देनी है, उसको हम अपने आधार पर, ये नहीं कि अमेरिका में वो कुछ दे रहा है हम अपने यहाँ अपने किसानों को कुछ दे रहे हैं। अमेरिका की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, उसकी अपनी इकोनॉमी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास बहुत सारा पैसे है, हमारे पास उतने नहीं है, लेकिन हमें अपने उत्पादों को, अपने किसानों को, उनकी जरूरत की चीजों को, अपने लोगों की जरूरत की चीजों को उत्पादित करने के लिए कहीं ना कहीं उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, जैसे अभी हमने WTO में लड़ाई को देखा। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हमने क्या किया, लॉफर वर्कर को अपनाया, हमने आय को बढ़ाया। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में बजट में आय अगर आएगा तो आप व्यय ज्यादा करोगे। ठीक है, व्यय ज्यादा करोगे तो किसके लिए करोगे, आप रोजगार उत्पन्न करना है, निवेश बढ़ाना है, इसके लिए करोगे। ठीक है, उसके लिए आपने मेक इन इंडिया जैसे प्लान बना रखे हैं,
तो अपनी राजकोषीय नीति को हमें विश्व अर्थव्यवस्था से ध्यान में रखकर किसी प्रकार के चेंजेस नहीं लाने हैं, क्योंकि उससे हमें किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला। बूस्ट करना है अपनी इकोनॉमी को, तो अपनी राजकोषीय नीति के आधार पर हमें किससे फायदा होगा हम उस आधार पर करने वाले हैं। ठीक उसी तरह से मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कहता क्या है, मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य होता है सर? जो आरबीआई मौद्रिक तरलता को कंट्रोल करने के लिए जो नीति लेकर के आती है मार्केट में, उसको कहते हैं मौद्रिक नीति। यहां पर क्या हुआ है कि आपके मार्केट में मौद्रिक तरलता से तात्पर्य, ठीक है, कि मौद्रिक तरलता या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो सभी आपकी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं। तो आरबीआई मेन काम करती क्या है कि मुद्रा तरलता को सोखना और महंगाई को क्या करता है, कंट्रोल करना। अगर हम ये देखें कि दूसरे देश, मान लीजिए यूरोपीय कंट्रीज हैं, वो क्या करें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सस्ती कर देती हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव। एक चीज हमने यहां पर देखी है, यूरोपीय कुछ कंट्रीज में उन्होंने निगेटिव इंटरेस्ट रेट को अपना रखा है, यहां तक कि जापान ने भी सोचना है कुछ चीजों पर है। सर ये क्या होगा? निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? निगेटिव इंटरेस्ट रेट वो होता है कि यदि आप जैसे बैंक के पास कोई पैसा लेकर जाते हैं, जमा करते हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट देता है 5% में आपको पैसे दूंगा। उल्टा लिया जाता है यहाँ पर, क्या किया कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो उल्टा वो आपके पैसे में से इंटरेस्ट रेट चार्ज काट लेंगे कि आप हमारे जमा कर रहे हैं, तो एज ए सिक्योरिटी वेस में आपको इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। ये किया क्यों गया है? किया इसलिए गया है ताकि लोग जो बैंक में होता है पैसा अपने पास रखता है, बैंक अपने पास पैसा नहीं रखें, वो पैसे को क्या करें मार्केट में घुमाते रहे, और इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ से पैसे ले जाएं, निवेश करेंगे, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा मांग होगी और ज्यादा चीजों को उत्पाद मांग बढ़ेगी, तो आपके उत्पाद भी ज्यादा किया जाएगा, इससे हमारी निर्यात व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन भारत इसको क्यों नहीं लागू कर सकता? क्या भारत को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू करना चाहिए? क्यों नहीं लागू करना चाहिए जब यहाँ पे इतना अच्छा चीजें निकल कर आ रही है? सर, इसे लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल लोगों के पास में उतनी जागरूकता नहीं है देश के प्रति कि यदि हम दे देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी या नहीं होगी। उनको अभी क्या अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है कि यदि वो थोड़ा सा अमाउंट इसमें कटवा देते हैं तो उस देश के अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा हो, उनकी सोच नहीं पहुंची है। यहाँ लोगों को स्वास्थ्य का कन्वे करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे समस्या इस बात की है कि भारतीयों में, ठीक है, जागरूकता की कमी है ही है, लेकिन भारतीयों में एक बचत की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वो चीजों को सेविंग्स बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसी तरह चाइना के लोगों के पास भी सेविंग्स बहुत की एक बचत की जो प्रवृत्ति है उनके पास भी होती है। लोग अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजों में आप मार्केट में बहुत ज्यादा तरलता आ जाती है। मार्केट में जब बहुत ज्यादा तरलता आ जाती है तो वहां पे इन्फ्लेशन की भी समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और इससे मार्केट में तरलता बढ़ेगी, तरलता से आपकी महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई से आपका मुद्रा कॉमोडिटी जो होती है उसका मूल्य होता चला जाएगा, और महंगाई के बाद डिप्रिसिएशन होता जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा किसी भी चीज को खरीदने के लिए, उनकी सेविंग की जो प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, इससे एक समस्या ये होती है कि लोग बहुत ज्यादा ऋण लेने लगते हैं, ऋण लेकर जीवन जीने लगते हैं, उधार की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, बैंकों से पैसा उधार कर लेकर आते हैं, खूब इधर उधर खर्च किया, खाया पिया, उड़ाया, और जब पैसे खत्म हो गए फिर से गए बैंकों के पास, फिर से उधार लेकर आ गया, फिर खाया पिया उड़ाया, खत्म हो गया, तीसरी बार फिर गए, फिर से अलग खाया पिया उड़ाया, खत्म हो गया। तो बैंकों के पास क्या होता है, बैंकों के पास ठीक है पैसा, पैसे नहीं आ रहे हैं, और जो पैसे जा रहे हैं उसका कहीं सदुपयोग भी नहीं हो रहा है। इससे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बबल से जो क्रिएट हो रहा है इतना ज्यादा, जो पैसे बनते चले जा रहे हैं वो उधार की ऋण इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फाइनली आप फिर दिवाली वाली फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और इस तरह की चीजें जहां हुई, किसी कंपनी ने ऐसे पैसे ले गया, किसी चीज में लगाया, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, लोग उस पैसे को ये नहीं कर रहे हैं कि वो जा रहे किसी चीज को खरीद रहे हैं, उसको खाने पीने में खर्च कर रहे हैं, तो उपभोक्तावाद यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे कंपनियों को व्यापार को कोई फायदा नहीं हो रहा है,
तो व्यापार क्या करेगा, वो पैसा लेना बंद कर देगा, कोई नई चीज पालना बंद कर देगा, और जहां इस चीज को करना बंद किया, जहां पर उनके ग्रोथ जो ग्रोथ रेट है वो आराम से नीचे आ जाएगी और आपकी अर्थव्यवस्था फिर वहां से चमरा जाएगी। पैसा नहीं कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसी चीज के लिए यहाँ पर आपके अभी आप देखेंगे जापान की जो इसमें जो वृद्धि रेट जो है, जो ग्रोथ रेट है वो काफी घटी हुई है उसकी। कई बार उसने मध्यावधि, आपने सिंजो अबे ने कई बार इसीलिए मध्यावधि चुनाव भी करा ली, ठीक है, उनकी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए अपना जो निगेटिव इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार इसको इसलिए नहीं कर सकती कि भारत में जो महंगाई है और जो मुद्रा की तरलता है वो अभी इतनी ज्यादा वो नहीं कर सकती। महंगाई उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो महंगाई को कंट्रोल करने का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को ना ही हम अपनी मौद्रिक नीति को भी नहीं बदल सकते हैं, ना ही उसमें किसी प्रकार की, क्योंकि महंगाई को हमें सबसे पहले निपटना है, उसको लिमिटेड रखना है। इसी चीज आती है शेयर मार्केट पॉलिसी। शेयर मार्केट पॉलिसी को हमें क्यों नहीं तब्दील करना चाहिए, इसके लिए भी हमने पढ़ रखा था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कि उसको अगर हम करते हैं, उसको जैसे हम दूसरी मार्केट को देखकर कर देते हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं कर रही थी, ठीक है, इसी तरह दूसरी कंट्रीज भी करने लगे, हम भी उसकी देखा देखी अगर कर दें तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमने अभी अभी इसके कुछ समय पहले ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में पढ़ के देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक आइडिया सिर्फ इतना हमें पढ़ना है इनको, बाकी आप यहाँ पर जाकर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके पॉइंट निकाल लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बस बेसिक कॉन्टेक्स्ट यही था कि हमें विश्व बदल रहा है उस आधार पर अपनी इकोनॉमी को नहीं चेंज करना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से उसके में बदलाव लाना चाहिए, ना कि विश्व अर्थव्यवस्था को ध्यान रखकर। विश्व अर्थव्यवस्था से हम प्रभावित जरूर होंगे क्योंकि इस समय हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिमोनेटाइजेशन जिस समय हुआ था उसी समय ट्रंप ने कुछ नीतियां लागू की थी जिससे हमें डिमोनेटाइजेशन का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना शायद हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह की कुछ नीतियां होती रहेंगी जो आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था आपको इस हिसाब से रखनी है कि उसकी अर्थव्यवस्था आपकी ऐसा नहीं कि दूध एक मार्केट डूबी तो आपकी मार्केट भी डूब जाए, उसको सह लेने की क्षमता होनी चाहिए आपकी मार्केट, अपनी अर्थव्यवस्था को इस हिसाब से इतनी मजबूत होनी, ठीक है। बाकी आप इसको जाकर पढ़ लीजिएगा सभी लोग, और इसमें आप पूरा इस तरह से हमारे ये बजट जो होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अब सेक्टर वाइज जो हमारा बाकी रह गए हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सेवा सेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीजों को कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप हमें बता दूंगा, पहले के दिन कल ही आपको कौन कौन से चैप्टर वहाँ से कंप्लीट करने पड़ने, ठीक है। निगेटिव इंटरेस्ट रेट जो होता है कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट में आप जब बैंक के पास पैसा जाते हैं जमा करने के लिए तो वो आपके पैसे से पैसे इंटरेस्ट आपको देने के बजाय वो आपके पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो कुछ पैसे बैंक अपने पास उसका आपने सेविंग की है तो हमें कुछ पैसे चाहिए ताकि हम आपका पैसा सेव रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैंक क्या करेगा, कोई अपना पैसा अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा अपना पैसा मार्केट में ही घुमाना शुरू कर देंगे। अच्छा, बैंक के पास नहीं ले जाकर वो अपने पैसे को घुमाना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगी मार्केट में तरलता बनी रहेगी, मार्केट में तरलता लेकिन इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में तरलता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, और महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो जो रेट है जो डॉलर के बदले आपका रुपया है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग हो सकता है आपके यहाँ से, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा पैसे आपके मार्केट में हैं, लोग पैसे ले जा रहे हैं यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करने में उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका ये नहीं कि आप कहीं उद्योगों के लिए निवेश कर रहे हैं तो न्यू लोग जाकर उसको खरीद रहे हैं, वो खाने पीने की चीजों को खर्च कर रहे हैं, अपने पब में चले जाते हैं, इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं, तो उसमें उसका सही पैसे का जो उपयोग करने के लिए करना चाहिए था, जो मांग बढ़ानी चाहिए थी उससे वो मांग जो होती है वो जनरेट नहीं होती, और मांग जनरेट ना होने से अर्थव्यवस्था आपके औद्योगिक क्षेत्रों को सेवा सेक्टर्स को नुकसान होता है, और उनमें क्या होती है उनमें गिरावट आती है और आपकी अर्थव्यवस्था को इससे काफी नुकसान होता है। सर, ये भी हमने तीन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लिया जी। क्वेश्चन किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ मंडे कल मैं ले आऊंगा, ठीक है, मैंने हाँ पूरा
इससे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना के देने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, उसको लिखा है नहीं लिखा वो अलग बात है। मैं आपको कल से 3 से 4 क्वेश्चन कल इस पर और बना के देने वाला हूँ। आप इसको जाकर घर पे आंसर राइटिंग करिएगा और करने की कोशिश करिएगा, पढ़ने के बाद, रिविजन करने के बाद, एज ए रेफरेंस आप बुक देख लीजिए, ठीक है। और नेट पर इनसे रिलेटेड जानकारी आप जैसे WTO और जानकारियां हैं, फिजिकल डिपॉजिट पॉलिसी क्या होती है, नेट पर सर्च करेंगे तो आप चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चन ही चाहिए, तो क्वेश्चन के आधार पर मैंने चीजों को बता दिया है। अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने सीखिए। अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं अच्छी बात है, अटेम्प्ट नहीं होता है तो कहां समस्या रह जाती है वो फिर हम वहां पर उस चीजों को डिस्कस। यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन ही होगा सर, ठीक है। थैंक यू।